हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चुनावी ड्यूटी के लिए महिला शिक्षकों को बूथ का ऑप्शन। जिले के सरकारी स्कूलों के महिला शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी अगर मतदान केंद्रों पर लगती है तो ऑप्शन के आधार पर लगेगी, लेकिन एक और शर्त उसमें रहेगा कि ऑप्शन जो है अपने आवास के नज़दीक जो केंद्र होगा, मतदाता केंद्र, वो शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षक कर्मियों की तरह ही महिला शिक्षक कर्मियों की भी ड्यूटी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के रूप में लगती है। रही बात पटना जिले की, तो जिले के भी सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षक कर्मियों की तरह ही महिला शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी भी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के रूप में लगती रही है। हाँ, महिला शिक्षा कर्मियों के मामले में इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता है कि पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के रूप में महिला शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी उस मतदान केंद्रों पर नहीं लगे जो उनके पदस्थापन वाले स्कूल से बहुत दूर हो। इस बार मतदान केंद्रों पर ड्यूटी बजाने के लिए महिला शिक्षक कर्मियों से 3 मतदान केंद्रों के ऑप्शन मांगे जाएंगे, लेकिन महिला शिक्षक कर्मी द्वारा दिए जाने वाले 3 ऑप्शन में वह मतदान केंद्र नहीं होगा जो उनके आवासन स्थल के नज़दीक होगा। महिला शिक्षक कर्मियों से ऑप्शन लेने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा जिले के सभी विद्यालय अवर निरीक्षकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। ये निर्देश कार्मिक को संघ के वरीय नोडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में दिए गए हैं। इसके लिए विद्यालय अवर निरीक्षकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उन महिला शिक्षा कर्मियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगनी है। विद्यालय अवर निरीक्षकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा महिला शिक्षा कर्मियों के ऑप्शन सीधे कार्मिक कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी को दिए जाने हैं। उसकी एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए शुक्रवार तक की तिथि तय है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पटना जिले के शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी 3 लोकसभा क्षेत्रों में लगती है। इसमें पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र एवं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है। दरअसल पटना जिले का कुछ हिस्सा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। बहरहाल ऑप्शन वाले मतदान केंद्र पर तैनाती से महिला शिक्षा कर्मियों को राहत मिलेगी। तो महिला शिक्षा कर्मी की ड्यूटी अगर चुनाव में लगती रही भी है तो उनसे बूथ का ऑप्शन मांगा जाएगा, 3 ऑप्शन मांगा जाएगा, लेकिन एक शर्त रहेगा कि उनका घर जहाँ पे होगा उसके नज़दीक जो मतदान केंद्र होगा उसमें उनकी ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी।